तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके भी जी व्हाट्सएप या फिर FM व्हाट्सएप में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो, कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, हमारे व्हाट्सएप में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। इसमें हमें बोला जा रहा है यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट। आप लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप जी व्हाट्सएप या फिर FM व्हाट्सएप जो यूज कर रही है, व्हाट्सएप का ऑफिशियल ऐप नहीं है। इसमें आपके डाटा लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए व्हाट्सएप आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता है। आप लोग के साथ अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ से ऐप इन्फो में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से परमिशन के ऊपर में क्लिक करना है। परमिशन के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सारे परमिशंस को यहाँ से हटा देना है। तो चलिए यहाँ से हम जितने भी परमिशन अलाउ किए हैं सारे को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो चलिए आपके सामने यहाँ से मैं सारा परमिशंस को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर करने के बाद आप लोगों को यहाँ से बैक हो जाना है। तो चलिए यहाँ से आपको स्टोरेज के ऊपर में क्लिक करना है। स्टोरेज के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसका डाटा को क्लियर कर लेना है। तो डाटा क्लियर करने के बाद आप लोगों को यहाँ से बैक हो जाना है और अपने आपका जो भी व्हाट्सएप हो, FM व्हाट्सएप या फिर जी व्हाट्सएप, इनको अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए आपके सामने ही मैं यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमने FM व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया। तो अब आप लोगों को यहाँ से बैक होकर के प्ले स्टोर में चले जाना है। तो चलिए यहाँ से हम अपना प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर में क्लिक करोगे, आपको प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर में क्लिक करना है। प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से सेटिंग में देख सकते हो, इन दोनों सेटिंग को आपको यहाँ से ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको बैक हो जाना और प्ले स्टोर में सर्च करना है व्हाट्सएप मैसेंजर। तो चलिए यहाँ से हम व्हाट्सएप मैसेंजर को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारे सामने व्हाट्सएप मैसेंजर आ चुका है। तो आपको इस वाले व्हाट्सएप मैसेंजर को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके यूज करना है। आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।